तो जब भी हल्क की बात होती है हमेशा ताकत ही नजर आती है। ये कैरेक्टर और इसके रिलेटेड कई सारे कैरेक्टर अपनी ताकत को लेके ही मशहूर हैं। पर ये गामा रेडिएशन सबको एक बड़ा सा मस्कुलर मॉन्स्टर नहीं बनाती है, बल्कि कभी कभी ये किसी के सर को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तो लीडर एक ऐसा ही सुपर विलन है जिसे गामा रेडिएशन की वजह से ताकत तो नहीं मिली पर बहुत सारा दिमाग जरूर मिल गया। और बड़ी बात यह है कि ये अभी कहीं से ऐसे निकल नहीं आया है, बल्कि MCU में ये लगभग 15 साल पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो 2008 की इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर अपने सैमुअल स्टर्ट से मदद लेता है ताकि वो हल्क से छुटकारा पा सके। आगे चल के अबोमिनेशन के हमले के बाद लगभग ये मर ही जाता है, पर आखिर में ब्रूस बैनर की गामा रेडिएशन वाला खून इसके सर के ऊपर गिरता है। इसके बाद इसका दिमाग काफी बड़ा हो जाता है, मतलब काफी बड़ा हो जाता है, और साथ ही साथ हरा भी। और बस यही है, और इसी तरीके से इसे अपनी पावर्स मिलती है, जिसके बाद ये बंदा अपने आप को एक नया नाम देता है जो कि है लीडर। पर आखिर में एक हल्क का विलन कैप्टन अमेरिका की मूवी में क्या कर रहा है? तो असल में अगर देखा जाए तो हल्क के रिलेटेड इसे कोई गुस्सा है ही नहीं, क्योंकि इसे अपनी जितनी भी पावर्स मिली है वो सभी हल्क की वजह से ही मिली है। पर अगर इसके पास्ट को देखा जाए तो यही वो बंदा था जिसने जनरल रॉस को अपनी दिमाग की मदद से रेड हल्क बनाया था। और इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही सिमिलर देखने को मिल सकता है, जहां पे द लीडर एक ऐसा बंदा हो जो कि काफी ज्यादा पर्दे के पीछे से काम कर रहा हो, जिसकी ना किसी गवर्नमेंट को भनो को ना ही किसी सुपर हीरो को। और बहुत हद तक यही वो होगा जो कि रेड हल्क को भी कंट्रोल कर रहा होगा, जो कि काफी हद तक समझा देता है द लीडर आखिर इस मूवी में एक विलन की तरह कैसे दिख सकता है। क्योंकि बात यहाँ पे लात घुसे की नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स की है, और द कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू ऑर्डर में हमें पॉलिटिक्स काफी ज्यादा घूमते हुए दिखेगा। इसी के साथ द लीडर के पास टेलीकिनेटिक और टेलीकिनेसिस पावर भी है, जो कि जिससे वो किसी भी नॉर्मल इंसान का दिमाग काफी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ वो उनकी मेमोरीज को भी वाइप कर सकता है और उन्हें एक डिल्यूजन में भी डाल सकता है। बंदा इतना स्मार्ट है कि कॉमिक में खुद को इमॉर्टल तक बना चुका है। साथ ही साथ ये बंदा आगे चल के मल्टीवर्स और कई सारी चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, तो ये भी हो सकता है कि मल्टीवर्स सागा में भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो,